चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रीवा में आपको बता दें पांचवी आरआईसी का आयोजन होना है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आयोजन में शिरकत करेंगे। रीवा में पांचवी आरआईसी का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में जो निवेश की अपार संभावनाएं हैं उस पर जोर देते हुए नजर आएंगे, जहां 10 से अधिक राज्यों के आपको बता दें 2500 से अधिक उद्यमी यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने यहां पर पंजीकरण कराया है। बायर सेलर मीट में व्यापारिक साझेदारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो महत्वपूर्ण ये विंध्य के लिहाज से, विंध्य के विकास के लिहाज से, साथ ही मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। रीवा में पांचवी आरआईसी का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे। राउंड टेबल पर चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, पांचवी आरआईसी का आयोजन और सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए सजग। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में जो है शामिल होने का काम करेंगे, और वहां पर उद्योगपतियों के साथ जो है 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। हम देख रहे हैं लगातार विन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जो है वहाँ से विधायक हैं, तो ऐसे में विंध्य क्षेत्र को डेवलप करने के लिए लगातार जो है उनके तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव के माध्यम से जो है पूरे मध्य प्रदेश में लगातार इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कर रहे हैं, ताकि जो अलग अलग क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो एक साथ जुड़कर एक मंच पर आएंगे और उनके साथ जो है संवाद करने का काम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं रीवा जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है बेहतर कार्य कर रहा है, चाहे अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में तो पूरे देश में जो है तीसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश का रीवा आता है सीमेंट इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए रीवा में जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी के कारण जो है लंबे समय से हम देख रहे थे कि रीवा में एयरपोर्ट की मांग चल रही थी, ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो रीवा में जो है सीधे लैंड कर पाए, उनको भोपाल या फिर जबलपुर या फिर इंदौर ना उतरना पड़े, वो सीधे जो है रीवा में उतरे। तो इसके लिए जो है लंबे समय से मांग चल रही थी, तो रीवा एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हो चुका है। और आज जितने भी उद्योगपति आएंगे तो सीधे तौर पर अगर हम बात कर सकते हैं तो विंध्य क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से वो कार्य करेंगे उसको लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, अलग अलग जिलों में जो उत्पाद है उसके बारे में बताया जाएगा। और बिल्कुल रंजन, तो विंध्य के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अगर बात करें रोजगार के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से, तो कितनी महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए सबसे अधिक प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव करने का एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक उद्योग जो है वो मध्य प्रदेश में आए। अगर मध्य प्रदेश में उद्योग आएगा तो निश्चित तौर पर जितने भी मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको दूसरे प्रदेश जो है वो नहीं जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में ही रह करके जो है वो यहाँ पर रोज़गार तलाश सकते हैं। क्योंकि जितने भी उद्योगपति आएंगे, चाहे हम बात करें टाटा बिरला, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप जो है मध्य प्रदेश में जो है आ रहे हैं, ऐसे में कई सारे MOU जो है अभी तक साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में जब ये उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो सीधे तौर पर युवाओं की भी जो है रोजगार की जो है तलाश जो वो खत्म हो जाएगी, और सीधे तौर पर युवा जो है इस इंडस्ट्रीज में काम कर पाएंगे। अलग अलग क्षेत्र के जो युवा है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर हो, तो अलग अलग क्षेत्रों का फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज को लेकर नए प्रयास किए जा रहे हैं, विंध्य क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप करना है उसको लेकर के आज तमाम सारी चर्चाएं जो है वो करने का काम जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।